डॉगी को क्या हो गया? ठीक भी है ये, चेक कर लेते हैं। हुए, सो जा सो जा सो जा, फिर ठीक है, सो रहा है। चेक करना तो भाई अपना फर्ज है ना। चलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हो इस मोटो व्लॉग्स। तो फाइनली अभी सड़क पर आ चुके हैं और अभी हम घर से निकले आज अपनी बाइक का काशी की केयर करने, थोड़ी सी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा। और केयर कैसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी वीडियो में आगे चलते चलते, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगने वाला है। स्पेशली आपको आज मैं बताऊँगा कि चेन लूप करने से क्या फ़ायदे होते हैं और चेन में जो लोग ऑयल वगैरह डालते हैं ना उसके क्या नुकसान होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसी व्लॉग में। और चैनल पे नया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। जब भी भाई की वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गई है और आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिस नहीं करोगे। फिर यहाँ पर देख रहे हो हर जगह बीजेपी के झंडे, पोस्टर्स, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी आने वाले हैं कुछ टाइम में, मतलब 2-3 दिन में आ रहे हैं शायद, 2-3 दिन नहीं, या फिर जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो शायद आ भी चुके होंगे। तो इसी के लिए यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी, आर्मी, पुलिस, सब कुछ है भाई। और पोस्टर ही पोस्टर, जहाँ देखो वहीं पुलिस। तो मैं आपको बताता हूँ कि चेन लूप करना क्यों इम्पोर्टेंट है और जो लोग चेन में कभी कभी ऑयल डालते हैं या ग्रीस लगाते हैं वो क्यों हार्मफुल है। तो सबसे पहली बात, चेन होती है दो टाइप्स की, एक ओ रिंग चेन और एक एक्स रिंग चेन। जो दोनों टाइप्स की चेन है ना उनमें जब भी आप ग्रीस या फिर ऑयल डालते हो तो उनके जो बीच का एक्स रिंग चेन और ओ रिंग चेन के बीच में जो गैप होता है ना, जो उसके मेटल पार्ट्स के बीच में गैप होता है, वो बहुत कम होता है। तो जो ऑयल और ग्रीस है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। तो फिर लूप क्या हुआ भाई? लूप सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से दिखेगा कि हाँ चेन का कलर अब चेंज हो गया, चेन थोड़ी सी चमक गई, बट लूप कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो अगर आपको चेन लूप करनी है तो स्पेशली लुब्रिकेंट्स बनाए हुए हैं, आपको उसी से करनी पड़ेगी। और जो सिंथेटिक चेन लूप उनको बोलते हैं बेस्ट होते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ईजिली चेन के अंदर जाके उसको लूप कर देते हैं और जिसकी वजह से आपकी चेन की लाइफ भी बढ़ेगी, इंजन पर भी कम स्ट्रेस आएगा, झटके भी नहीं मारेगी बाइक। और जहाँ तक मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, आपकी माइलेज पर भी फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म पर। तो अगर चेन आपकी लूप अच्छे से रहेगी तो काफ़ी स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बाइक चलाने में मज़ा आएगा, ना चेन आवाज़ करेगी तो ऑफ कोर्स मज़ा ही आएगा आपको बाइक चलाने में। सो अभी यहाँ से जाएंगे सीधा सौलीखड़, वहाँ पर देखते हैं क्या सीन है, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर पुलिस और आर्मी देखो गाइस, ख़तरनाक भाई, ऐसा लग रहा है पूरी हिमाचल की पुलिस अभी यहीं पर आ गई है। तो अभी फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पर बाइक वॉश कराने, प्राइम शाइन में करवाता हूँ मैं बाइक वॉश। और देखो सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है भाई, अभी ट्रायल चल रहे हैं, 2-3 दिन तक ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक मोदी जी नहीं आएंगे। रोज़ हेलीकॉप्टर्स कम से कम 10-20 बार यहाँ पर लैंड होते हैं जो मंडी का हेलीपैड है, ताकि सिक्योर हो जाए एकदम। और काफ़ी बड़ा हेलीकॉप्टर है ये, तो शायद से एयरफोर्स का ही है ऑफकोर्स। अपने एग्जॉस्ट के साथ कैसी लग रही है बाइक कमेंट्स में बताना आप। तो अभी पहले वॉश करवा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ चेन लूप क्लीन सब कुछ करके कैसे क्या और कौन से ब्रांड का करने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो अपनी काकाशिया पैडॉक पे है और देखो कि नहीं साफ साफ से लग रही है, अभी जस्ट पानी मारा है इसके ऊपर और अभी फोम वॉश होएगा। पैडॉक पे तो भाई अलग ही लुक आती है इसकी, मैंने ये वाला स्टिकर नया लगाया हुआ है पेट्रोनास, मस्त लग रहा है ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। सो पहले हम यूज़ करेंगे इसके लिए चेन क्लीनर, चेन साफ़ करने के लिए। और ये है TRM का एलिडेट्स है, इस ब्रांड के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है भाई, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स है, बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स है इंडिया में, साउथ इंडिया में स्पेशली। और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो फिर यूज़ करना तो बनता है गाइस। तो पहले इसको यूज़ कर लेते हैं एक बार। चलो गियर पर लग चुकी है, अब क्लीनर मारेंगे, पहले इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे, एक क्लीनर अप्लाई करेंगे ऐसे। और अगर आपके पास ब्रश वगैरह है तो उसको यूज़ करेंगे ताकि इसको साफ़ कर पाए अच्छे से, बस इतना काफ़ी होगा। जैसा आप देख सकते हो चेन का कलर अभी से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, पहले पूरी ब्लैक थी चेन और अब ऑलमोस्ट सिल्वर हो चुकी है।
तो बाइक को ले जाएंगे अंदर और फिर चेन स्प्रे यूज़ करेंगे या चेन लूप कुछ भी बोल लो, और कलर डिफरेंस देख लो, सिल्वर हो चुकी है अब चेन। सो अभी हम जो चेन लूप यूज़ करने वाले हैं वो है TRM कैलीडाट का फुली सिंथेटिक चेन लूप, और मैं आपको बता देता हूँ कितना स्मूथ है ये और कितना डेंस है। हाथ पे थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, ये देखो जो ये फोम बनती है ये सिर्फ अच्छे लूप्स में बनती है, और हाथ ऐसे फिसलू फिसलू सो चुके हैं अभी, खुशबू भी काफ़ी अच्छी है चॉकलेटी सा फ्लेवर है भाई। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। पहले इसको थोड़ा चेक करेंगे और फिर स्प्रे करेंगे सीधा चेन पर, थोड़ा सा दूर से, थोड़ा सा यहाँ पर भी, और फोम देखो कैसे बन रही है इसकी। तो अभी अपनी चेन लूप हो चुकी है और कलर देखो एक बार कितना मस्त आया, सिल्वर एकदम साफ। अब बंद करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो। अरे अभी न्यूट्रल पे नहीं है, कोई नहीं, और देखो कितनी साफ हो चुकी है। सो फाइनली अपना काम डन हो चुका है सारा, और एक बार चेन की शाइन देखो आप कितनी मस्त आ रही है। और TRM कैलीडाट के बहुत सारे चेन लूप्स आते हैं और वो भी अलग अलग कलर्स के, और ये मेरे हिसाब से फर्स्ट ब्रांड इंडिया में जिसने ऐसा कुछ बनाया है मेड इन इंडिया, जो कलरफुल लूप्स होते हैं वो इन्होंने बनाए हैं। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री इंडिया की उसके ये नंबर वन सप्लायर है लूप्स के, जो हॉर्टिकल्चर मशीनरी में जितने भी बियरिंग्स प्रॉकेट्स वगैरह होते हैं उन सब में TRM कैलीडाट के ही स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं, मतलब लूप्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो ये हो गए लूप्स अपने स्प्रे वाले, और इनका वैक्स वगैरह सब कुछ आता है। तो आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे उन्हें DM कर सकते हो, TRM कैलीडाट करके पेज है, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली DM कर सकते हो या मेरे को DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा भी और TRM कैलीडाट का भी। सो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर बाकी बातें करते हैं रास्ते में। सो चलो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं, जैसा कि आपने देखा इनके लूप कितना ज़्यादा अच्छा है भाई, मतलब अलग सा है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा लूप यूज़ किया है, मैंने और भी ब्रांड्स के लूप यूज़ करे हैं पहले, अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नाम लेने से वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई, हम कौन से बहुत बड़े यूट्यूबर हैं स्कैम, पर कोई नहीं, फील लेने में क्या ही जाता है भाई। अब निकलेंगे सीधा घर, क्योंकि पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और इसको ढक देंगे अब चुपचाप जाके। तो मोस्ट प्रोबेबली कल निकल रहे हैं हम सीसू के लिए, या सीसू से आगे भी जा सकते हैं, अटल टनल सीसू वाली ट्रिप होने वाली है फिर से। तो अगर वो देखनी है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन एनेबल कर देना, ताकि आप वीडियो मिस ना करो। और TRM कैलीडाट के लूप इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर झेल पाते हैं, और मशीनरी में जैसे मैंने आपको बताया हॉर्टिकल्चर जो इंडिया की मैक्सिमम मशीनरीज है वहाँ यही यूज़ होता है TRM कैलीडाट का ही लूप वगैरह, तो फिर आप कुछ सोच लो कुछ रीज़न ही होगा। सो अगर आपको लेना है तो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिया आप कैसे कैसे बाय कर सकते हो, इंस्टाग्राम मेरे इंस्टाग्राम पे, इनके इंस्टाग्राम पे, या फिर इनकी वेबसाइट भी है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और व्लॉग अच्छा है तो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, नोटिफिकेशन एनेबल कर देना क्योंकि अब अपनी सीसू सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए रखो अपना ध्यान, पीस आउट, बाय।